सर्वम सुवर्णम, सब कुछ तेजोमय प्रकाशमय सुवर्णमय आदित्य मंडल अंतर्गत जो पुरुष है। यदि अंतस्तत् धर्म उपदेशात् सूत्र से भगवान बादरायण ने कहा कि आदित्य मंडल में जो आदित्य मंडलाभिमानी एक जीव, आदित्य मंडलाभिमानी जीव और एक आदित्य मंडलांतर्गत हिरण्यगर्भ व्याहृत्य वैवात्मा पुरुष तस् भूरित्येव शिरः भुवैति बाहु स्वरिति हृदयम्, इस रूप से जिसका वर्णन है, तीन व्याहृति या सप्त व्याहृति ही जिसके अवयव हैं, वो आदित्य मंडल अंतर्गत वो पुरुष है। फिर उसके भी भीतर अंतर्जामी, वही अंतर्जामी उस रूप में वर्णित है। तो उसी नारायण वस्तु में निष्ठा हो जाए, उसी को नारायण पारायण कर, नारायण एव परम अयनम जस्य, नारायण एव परम उत्कृष्टम ध्येयम गेयम आराध्यम यस्य, वो नारायण परायण। अर्थात जिस वस्तु को जाना, जिस वस्तु को समझा, उसी में मन लोटपोट हो जाए, तन्मय हो जाए, उसको छोड़कर इधर उधर न भागे। तो वेदांत को पढ़ करके, वैराग्य संपादन करके, अंतर्मुख होकर के, एकाग्र होकर के ब्रह्म का क्षणिक साक्षात्कार कुछ लोग कर लेते हैं, कर सकते हैं, परंतु मन उनमें लोटपोट हो जाए, मन तन्मय हो जाए, दृश्य प्रपंच नीरस हो जाए, विरस हो जाए, उधर भावना खत्म हो जाए, ये सब बातें हैं तो और भी बाकी रहती है। इसीलिए दो तरह की बातें हैं, कृतोपास्ती अकृतोपास्ती। दो धन के आदमी होते हैं जिन्होंने उपासना कर रखी है पहले से, उनको अगर ब्रह्म साक्षात्कार होता है तो उसी कोटि का होता है, और जिन्होंने उपासना नहीं कर रखी, सम्यक उपासना अच्छी तरह से नहीं की है, अपरिपक्व उपासना है, और कथनचित वैराग्य विवेक धारण करके तत्व साक्षात्कार किया तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है तत्व साक्षात्कार, परंतु उसी में तन्मय हो जाए ये एक बहुत ऊंची चीज है। इसी के लिए ब्रह्माभ्यास भी किया जाता है, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, निर्गुण निराकार निर्विकार जिस ब्रह्म का साक्षात्कार किया, उसी का बार बार चिंतन, उसी का बार बार श्रवण, उसी का बार बार मनन करने से भी उसमें निष्ठा बन जाती है। इसीलिए आसुप्ते राममृते कालम नैद वेदांत चिंतया, सोने से लग जगने से लेकर सोने तक और जन्मने से लेकर मरने तक निरंतर भगवत चिंतन में ही जिसका समय व्यतीत हो, इधर उधर मन भटके नहीं, जगने से लेकर सोने तक, जन्मने से लेकर मरने तक, ये बड़ी ऊंची बात। तो अगर उस रूप से बन जाता है तो वही ठीक है, किंतु अगर उस रूप में कुछ बनने में गड़बड़ी होती है तो कुछ दूसरे भी प्रकारांतर हैं, उन्हीं प्रकारांतरों में ये भी सब है। विष्णु पुराण के द्वारा सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश विष्णु के निर्गुण स्वरूप को भी समझने का प्रयास करना, सगुण स्वरूप को भी समझने का प्रयास करना, उसके चिंतन में तल्लीन रहना, या श्रीमद् भागवत के द्वारा श्री कृष्णचंद्र परमानंद कर्म के रूप में उसी वस्तु का चिंतन
या वाल्मीकि रामायण के द्वारा उसी परात्पर पर ब्रह्म वस्तु का रामचंद्र राघवेंद्र सर्वाधिष्ठान परमेश्वर के रूप में, तो इस दृष्टि से फिर हमारी वही बात है कि घूम फिर करके लक्ष्य यही है कि जिस वस्तु को हम सर्वाधिष्ठान समझते हैं, सर्वोत्कृष्ट समझते हैं, सर्वव्यापी समझते हैं, सर्वमूल समझते हैं, सर्वसार समझते हैं, सर्व कारण समझते हैं, तो फिर उसी में हमको तल्लीन होना चाहिए, तन्मय होना चाहिए। वो तन्मयता बने इसके लिए ही अधिकाधिक संविधान प्राप्त करने के लिए, अधिकाधिक संप्रक्त होने के लिए, अधिकाधिक स्नेह भाजन और स्नेह का आश्रय होने के लिए वही भगवान निर्गुण होते हुए भी, निराकार होते हुए भी, सर्वाधिष्ठान सर्व कारण सर्व साक्षी होते हुए भी और सगुण साकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म के रूप में भी प्रकट होते। तो चाहे शिव भूत भवन विश्वनाथ शंकर के रूप को ले लो, चाहे विष्णु भगवान के रूप को ले लो, चाहे राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा षोड़शी के रूप को ले लो, चाहे जो भी अपना अभीष्ट हो, तत्व हो, अंततो गत्वा स्नेह भाजन बने, भगवान स्नेह भाजन बने। इसीलिए इस पर बड़ा जोर दिया भक्तराज प्रहलाद ने, कहा जा प्रीत रविवेकानाम विषय स्वर्ण पाइनी। अविवेकी लोगों को विषयों में जो प्रीति होती है, स्वाभाविक की प्रीति, स्वारस्य की प्रीति, स्वाभाविक की प्रीति अविवेकियों को विषयों में होती, ऐसे ही प्रीति भगवान में स्वाभाविक की। सेवत सी ये लखन रघुवीर है जिमें अविवेकी पुरुष शरीर है। अविवेकी पुरुष जैसे शरीर की सेवा करता है, तन्मय होकर शरीर की सेवा करता है, वो बटन लगाया, अभ्यंग लगाया, अमुक अमुक भूषण, अमुक अमुक हार, अमुक अमुक अंगराग, अमुक अमुक उपकरण से उसको अलंकृत करते हैं, सुसज्जित करते हैं, सुशोभित करते हैं और उसको उसको सुख सुखी और शांत और प्रसन्न रखने के लिए सर्वथा आनुकूल्य का अनुसरण करते हैं। ऐसे ही जनक नंदिनी जानकी भगवती सीता और श्री लक्ष्मण रामचंद्र भगवान की सेवा में ऐसे ही लगे थे जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा में लगा रहे। ऐसे ही गोस्वामी जी ने भी कह डाला, काम ही नार पियार जिमे लोभी के जिमे दाम। से कामी पुरुष को अपनी प्रियतमा प्रेयसी कामिनी में उत्कृष्ट प्रीति होती है, जैसे लोभी को जैसे धन में अत्यंत उत्कंठा होती है, अत्यंत प्रेम होता है। इस प्रकार का प्रेम भगवान सवर्थात पूरी मतलब क्या है, यहां मन को ले जाना नहीं पड़ता, अपने आप मन उसके चिंतन में लगा, अपने आप कामिनी का मन अपने प्रियतम प्रयान कामी के चिंतन में और ऐसे ही कामी का मन कामिनी के चिंतन में अपने आप स्वार्थिक रूप से संलग्न रहता है। ऐसे ही रंक को, लोभी को, रंक को कोई दुर्लभ वस्तु, चिंतामणि या रत्न या सुवर्ण आदि कोई दुर्लभ वस्तु मिल गया, उसमें स्वाभाविक अनुराग हो जाता है, बिना किसी के प्रेरणा के निरंतर उसके चिंतन में संलग्न रहता है। ऐसे बिना ऊंच नीच सोचे, बिना विचार किए, बिना हानि लाभ सोचे, स्वाभाविक ही अकस्मात ही भगवान के चिंतन में मन लगा रहे। तो ये तभी बनेगा जब भगवान स्नेह भाजन हो जाएंगे।
भगवान स्नेह के भाजन हो जाएंगे। इसी दृष्टि से हमारे यहाँ रामायण, श्रीमद् भागवत और पुराण ये पवित्र सदग्रंथ हैं, जिनमें भगवान के व्यापक रूपों का वर्णन है। कोई पुराण ऐसा नहीं है जहाँ भगवान के अखंड अनंत निर्विकार निर्गुण रूप का वर्णन नहीं है। कोई पुराण ऐसा नहीं जहाँ भगवान के सगुण रूप का वर्णन नहीं है, साकार रूप का वर्णन नहीं है। महाविराट रूप से भगवान का चिंतन, महान हिरण गर्भ के रूप में भगवान का चिंतन, महान अव्यक्त अंतर्जामी ईश्वर के रूप में भगवान का चिंतन और कार्य कारणातीत निर्विकार निर्गुण अदृश्य अग्राही अलक्षण चिंत्य व्यपदेश परब्रह्म के रूप में चिंतन और इन चारों रूपों से भिन्न फिर जो भगवान का और साकार सगुण रूप है, रामचंद्र राघवेंद्र का रूप है, कृष्णचंद्र परमानंद कन्न का रूप है, भूत भावन विश्वनाथ सदाशिव का रूप है, इन रूपों में भी भगवान का चिंतन चलता है। तो ये स्नेह बद्ध मूल हो, उड़ता चलता न हो, बद्ध मूल स्नेह हो, इसीलिए एक व्यापक प्रकार की भूमिका होती है। इसीलिए उपासनाओं में मुख्य रूप से तीन बात आवश्यक होती है। एक तो मंत्र अपेक्षित होता है, नाम भी मंत्र है, ईश्वर का नाम भी मंत्र ही है, तो भी नाम की हैसियत और मंत्र की हैसियत अलग अलग होती है। नाम में उठते चलते फिरते बैठते हर समय प्रवृत्ति हो सकती है, किसी भी समय नाम का चिंतन किया जा सकता है, लेकिन मंत्र का चिंतन में विशेष नियम है, विशेष प्रकार से उसके अपना विनियोग हो, ध्यान हो, न्यास हो और तत्त्व उसके अंगोपांग हो। तो एक ये चीज मंत्र, दूसरी चीज मंत्रार्थ का ध्यान। योग सूत्र ने कहा स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता। स्वाध्यायो मंत्र जप, वहां स्वाध्याय माने मंत्र जप, मंत्र जप करने से मंत्रार्थ जो देवता है उसका साक्षात्कार होता है। तो मंत्र जप और मंत्रार्थ जो देवता है उसका ध्यान, और उन्हीं दोनों चीजों को परिपुष्ट करने के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रार्थ यहां तत्संबंधी सदग्रंथों का मनन, देवता संबंधी सदग्रंथों का मनन। वैसे स्वाध्याय पद का अर्थ वेद है, स्व 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 शाखोपलक्षित वेद राशि स्वाध्याय वेद्य अधीतेति अध्यायः स्वस्य अध्यायः स्वाध्यायः स्वशाखोपलक्षित मंत्र ब्रह्मात्मक वेदराशि स्वाध्याय शब्द का। लेकिन फिर भी यहां प्रसंगानुसार जिस देवता की उपासना हो, जिस देवता का मंत्र जप हो, जिस देवता का ध्यान हो, उस देवता के महत्व प्रतिपादन करने वाले, उस देवता का वैभव ऐश्वर्य अनंत तेज अनंत शक्ति अनंत महिमा वर्णन करने वाले जो सदग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन विचार पुनः पुनः विचार, उससे मंत्र जप को भी बल मिलता है,
मंत्र जप में श्रद्धा लोकोत्तर दिनों दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि श्रद्धा मुख्य है। श्रद्धा जननी वो जोगिनम पाती, जननी जैसे पुत्र की रक्षा करती है तो इसे श्रद्धा साधक की रक्षा करती है। श्रद्धा, श्रद्धा से साधक की रक्षा होती है। नहीं तो एक दिन मंत्र में बड़ा विश्वास हुआ, जप किया, दूसरे दिन विश्वास कमजोर हो गया, तीसरे दिन और विश्वास कमजोर हो गया। और बात में कोई प्राणी पहले पहले योग ग्रंथों को देखता है, मन में आता है हम भी प्राणायाम करें, कुंभक करें, रेचक करें, पूरक करें, भस्त्रा करें, अमुक अमुक करें, दो चार दिन खूब उछल कूद चलती है, अंत में बुद्धि ठंडी हो जाती है, उत्साह भी ठंडा हो जाता है, फिर शिथिलता आ जाती है, फिर उसमें प्रयास नहीं होता, प्रयास नहीं होने सफलता नहीं होती। लेकिन अगर श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए तो कभी शिथिलता नहीं आएगी, और शिथिलता नहीं आए, उत्साह पूर्वक अभ्यास जारी रहा, तभी उसमें सफलता मिलती। तो इसीलिए श्रद्धा जननी व जोगिनम पाति, जननी की तरह श्रद्धा जोगी की रक्षा करती है। तो वो श्रद्धा चाहे मंत्र जप की श्रद्धा हो, चाहे प्राणायाम की श्रद्धा हो, चाहे भगवत स्वरूप ध्यान की श्रद्धा हो, चाहे तत्व चिंतन की भी श्रद्धा हो, श्रद्धा अगर लोकोत्तर अटूट बनी रहे, उसमें मंदता ना आए, तो साधन में मंदता नहीं आती और उत्तरोत्तर सफलता मिलती चलती। उस काम को पूरा करना स्वाध्याय का काम, स्वाध्याय से वो चीज पूरी हो जाती। योग वशिष्ठ आदिकों ने और दूसरे सदग्रंथों ने सत्संग को भी इसमें बहुत मुख्य बतलाया। सत्संग, सत्संग होता रहे, सताम प्रसंगात हम वीर संपदा भवन कृतकरण कथायना, कृतकरण रसायना कथा, ऐसा। तो सताम प्रसंगात सत्पुरुषों का प्रसंग हो, सत्पुरुषों का संग हो, सतान संगो ही भेषजम काई, सत्पुरुषों का संग ही भेषज है। शास्त्रों में भी दृढ़ श्रद्धा पैदा करना सत्संग का ही काम है। सत्पुरुषों के समागम में बैठने से ही शास्त्रों का लोकोत्तर महत्व समझ में आता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने तो बड़ी महिमा लिखी, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जो पाई, तो जांग प्रभाव लोकहु बेदन आन उपाऊ। मति की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, गति मुक्ति की प्राप्ति, भूति ऐश्वर्य की प्राप्ति, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहां जो पाई, जब भी जहां भी जिसने भी जिस मार्ग से भी इन वस्तुओं को पाया है, तो जानब सत्संग प्रभाव, साफ सत्संग का ही प्रभाव। लोक में और वेद में इससे भिन्न दूसरा उपाय ही नहीं, सबसे उत्तम उपाय सत्संग। तो परंतु सदग्रंथों का जो विचार है, मनन है, क्योंकि सत्संग में तो पराधीनता होती है ना, सदा सत्संग मिलता नहीं, अनुकूल सत्संग, जैसे तैसे सत्संग तो कहीं भी मिल जाएगा, पर जिससे अपना इष्ट मिले, जिससे मन मिले, जिससे ध्येय मिले, जिसके संग से अपनी उपासना में, अपनी साधना में दृढ़ता उत्तरोत्तर उत्पन्न हो, साधनों में दृढ़ता उत्पन्न हो, उत्तरोत्तर उत्साह बढ़े, यही सत्संग। तो सत्संग
नहीं तो इससे बढ़कर हानिकारक भी दूसरा कोई नहीं होता। कोई उपासना कर रहा है, नाम जप रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है और कहीं बड़े उच्च कोटि के वेदांती का संग हो गया, बड़ा उच्च कोटि का वेदांती कहता है साहब मिथ्या है, माया है, अनात्मा है, तुम किस प्रपंच के चिंतन में लगे हो, सब गड़बड़ हो जाए, लीपा पोती हो जाए, जो कुछ भी ब्रह्म तक पहुंच न पाए, जो जप कर रहे तो भी छूट गया, जो ध्यान कर रहे तो भी छूट गया, सब गड़बड़ हो जाता है। कर्मकांड का अधिकारी है कोई प्राणी, संध्या करना चाहिए, सूर्यार्घ देना चाहिए, सूर्योपस्थान करना चाहिए, बलवैष्णदेव करना चाहिए और अनेक प्रकार के भगवत आराधना संबंधी विभिन्न प्रकार के कर्म हैं वो करने आवश्यक हैं। इनमें प्रवृत्ति एक बात, परंतु कोई सत्संग ऐसा हो सकता है कि इन सब प्रवृत्तियों पर एकदम पानी फेर सकता है। अगर इन सब प्रवृत्तियों पर पानी फेर करके अनंत अधिष्ठान निर्विकार ब्रह्म में निष्ठा हो गई तो कोई हर्जा नहीं। तो उधर निष्ठा नहीं हुई, इधर वस्तु छूट गई तो सब बढ़ गया। इसीलिए अलग अलग निष्ठाएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग भावनाएं। योगाभ्यासियों के पास बैठो तो कहेंगे बस बिना योग के और इसका कुछ। ज्ञानोदय सरोदय वालों से पूछो, उन्होंने कहा है वेद भागवत गीता सब ज्ञानोदय के बिना रीता। सरोदय नहीं सीखा, ज्ञानोदय नहीं, ज्ञान सरोदय नहीं सीखा तो सब वेद भागवत गीता सब रीता। जिसकी जहां निष्ठा है आई है बात असल में। एक गाड़ी निकली थी फोर्ट गाड़ी, फोर्ट उस कंपनी का संचालक जीवन भर अपने कंपनी में बैठा रहा। संसार में और भी कोई गाड़ियां हैं, और भी कोई चीज है, और भी कोई प्रपंच उसने जाना ही, उसकी दृष्टि में केवल उसकी फोर्ट थी बस और कुछ। तो जो किसी काम में सफल होता है उसको इतनी प्रकार की तन्मयता होनी चाहिए होती है, बिना ऐसा हुए वो उसमें सफल नहीं होता। तो की दृष्टि ठीक है, लेकिन अब जो जप कर रहा है, जो जप के आधार पर कुछ प्राप्त करना चाहता है, अब वो क्या करे उनकी बात सुनकर। उसको तो प्राणायाम आता नहीं या करने की शक्ति नहीं या करने की बुद्धि नहीं या अभिरुचि नहीं या कई ढंग की बातें हो सकती हैं। तो इसलिए निष्कर्ष ये है कि जो जिस निष्ठा में लगा है उसको उस निष्ठा से अतिरिक्त दूसरी वस्तु कुछ नहीं भासित होती, उसमें त्रुटि भी नहीं होती, तो अपनी वस्तु का महत्व वर्णन करता है। कर्मकांडी कर्मकांड का महत्व वर्णन करता है, उपासना वाला उपासना का महत्व वर्णन करता है, ज्ञान कांड वाला ज्ञान की महिमा कहता है, योगाभ्यासी योग की बात कहता है, सरोदय वाला सरोदय की महिमा कहता है। ऐसे ही फिर भिन्न भिन्न जो अपने परोपकार करने वाले होते थे परोपकार विचार, राष्ट्र सेवा देश सेवा करने वाले कहते साहब राष्ट्र सेवा देश सेवा में लग जाओ, यही मुख्य काम। पाठशाला बनाने वाले विद्यालय बनाने वाले पाठशाला विद्यालय बनाना ही सब कुछ अच्छा समझते हैं। धर्मशाला बनाने वाले कहते इससे बढ़कर और दूसरी चीजें क्या है, धर्मशाला बनाना चाहिए है? प्याऊ लगाने वाले कहते प्याऊ लगाना चाहिए, अन्न क्षेत्र लगाने वाले कहते अन्न क्षेत्र, सब ठीक है, कोई खराब नहीं, सब अच्छी चीज है, सबका एक से एक महत्व है, लेकिन दृष्टिकोण लोगों के बंटे हुए हैं, अपने अपने में सीमित हैं। यही चीज है बस, इससे आगे दूसरी बात से उनसे राय लो तो भाई हाँ करो जो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन मुख्य बात नहीं ठीक है। तो कहने का आशय यह है कि बहुत मन मिलाकर सत्संग करना पड़ता है। हमारी उपासना में उन्नति, हमारे तत्व विज्ञान में उन्नति, हमारी निष्ठा में उन्नति हो, हमारी भावना में दृढ़ता हो, इसके अनुकूल निर्णय करके जो सत्संग होता है वो सत्संग लाभदायक है।
तो इस दृष्टि से ये बड़े कठिन है। लेकिन अब ब्राह्मण लेकर बैठ गए, श्रीमद् भागवत लेकर बैठ गए, तो ये ऐसी चीज होती है कि सदा सर्वदा सत्संग नहीं मिले तो भी घर में बैठे बैठे श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, वो सत्संग है। वहां बुद्धि किया, भगवान व्यास देव की महावाणी को सुन रहे, पढ़ रहे, भगवान सुखदेव की मंगलमयी वाणी को हम सुन रहे। जैसे उच्च कोटि के महात्मा के सत्संग में बैठकर उनकी वाणी को सुन करके अपने आप को कृतार्थ मानते हैं, उसी तरह से श्रीमद् भागवत पढ़ते हुए संतों के संत, ज्ञानियों के ज्ञानी, सिद्धों के सिद्ध, जो भगवान व्यास, भगवान सुखदेव, ये महान सिद्ध, महान ज्ञानी, महान अमलात्मा परमहंस, उनकी पवित्र वाणी को सुन रहे सब। तो जो सत्संग का फल होना चाहिए वो सब सत्संग का फल हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि इसके लिए भी मार्गदर्शन के लिए सज सत्संग जरूर होना चाहिए। ये बात नहीं कि कोई अपने आप ही पुस्तक लेकर बैठ जाए सदा सर्वदा और कोई संबंध सत्पुरुषों का हो नहीं, तो क्या उसका मार्ग भी कैसे समझ में आएगा, मार्ग भी समझ में नहीं आएगा। ये तो प्रसिद्ध ही है कि कोई समुद्र से अपने आप पानी लेता है तो पानी पानी खारा मिलता है, प्यास नहीं बुझेगी। समुद्र के तट बैठा हुआ भी प्राणी प्यासा मरेगा, और पानी खूब है, अपार जल राशि है, फिर भी प्यासा है आदमी, क्योंकि खारा पानी। लेकिन वही समुद्र का पानी बादल जब ला कर देते हैं, बादल कहां से पानी ला, वही तो पानी, बादल उसी पानी को ला कर देते हैं तो वो खारा नहीं होता, मीठा होता। इस तरह से वेदादि शास्त्र, उनका मर्म, उनका अर्थ बहुत अच्छी वस्तु है, पर वही ये सत्पुरुषों के द्वारा जो मिलता है तो वो फिर महत्वपूर्ण होता है। और बिना परंपरा के, बिना बिना सत्संग के, बिना आचार्य के जो यथा कथनचित उसको ग्रहण करने लगते हैं तो फिर वो उतना फायदेमंद नहीं। यही कारण है कि आजकल मनमानी वेदों का, वेदांगों का अर्थ जो करने लगते हैं तो फिर वो बहक जाते हैं, कहीं के कहीं चले जाते हैं, कहीं के कहीं चले जाते हैं कुछ अर्थ करने बाद में। उसका शब्द का जो परमाणु फैलेंगे उससे फायदा होगा। हाँ, कोई हर्जा नहीं। तो सुनते हो ना, आजकल कहते हैं, आजकल शब्द सब जगह व्यापक है, वैज्ञानिक लोग ढूंढ रहे हैं कि भगवान कृष्ण की गीता के शब्द का अगर हो सके तो पकड़े, लगे हुए हैं वैज्ञानिक लोग अनुसंधान में, क्योंकि रेडियो के सिद्धांत ने आज ये व्यक्त कर दिया कि शब्द जो है वो बहुत व्यापक है, केवल उसको आकर्षण करने की ताकत होनी चाहिए, कोई साधन हो जिससे कि हम उन शब्दों को पकड़ सकें। अमेरिका में कोई शब्द हो रहा है, गाना हो रहा है, उसको हम यहाँ पकड़ लेते हैं, देश देशांतरों में कोई शब्द हो रहा है, हम उसको ढंग से पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी तक ये है कि वो कहाँ से वो शब्द प्रसारित हो और कहाँ से उसका संग्रह हो, ये दो मूल देखना पड़ता है, प्रसार केंद्र और क्या नाम, ग्रहण केंद्र, ग्रहण केंद्र और प्रसार केंद्र। तो केवल दो दो साधनों की अपेक्षा से, दो साधनों की अपेक्षा से शब्द सहस्त्रों मील दूर भिन्न भिन्न स्थानों में सबको उपलब्ध होता है, ऐसा होता है, शब्दों की व्यापकता प्रसिद्ध है। तो इस तरह से कहीं कहीं ये भी है कि उत्तम सत्संग, उत्तम चर्चा, उत्तम ज्ञान विज्ञान
से वहां का वातावरण और आकाश भी संस्कृत होता, संस्कृत होता, उस पर भी उसका असर पड़ता। ये पुराणों में बड़े विस्तार से इस पर लिखा है कि कई कई स्थान ऐसे थे कि जहां बहुत ही अच्छे पुरुष, बहुत उच्च कोटि के अच्छे पुरुष उस स्थान पर चले गए, स्थान के प्रभाव से उनके मन में विकार उत्पन्न, स्थान के प्रभाव। प्रसिद्ध है कि ये जो श्रवण कुमार जो है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लिए हुए मेरठ पहुंचे, मेरठ तो मेरठ पहुंचे तो उनको वहीं जाकर के कहीं बुद्धि नहीं हुई, मेरठ में जाकर ये बुद्धि हुई हम अपना जीवन व्यर्थ खत्म कर रहे हैं, इन बुढ़े बुढ़ियों को कंधे पलादे हुए बेकार की बात है, क्या फायदा है, क्या देंगे। बोले बोलो हम तुम्हारी इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, कंधे पर लिए हुए तुमको चल रहे हैं, अंधे अंधी तुम क्या दोगे हमको, क्या फायदा होगा तुमसे, कि जब सेवा पूजा करने से तुम्हारी हमको क्या फायदा होगा। आश्चर्य में दोनों डूब गए, इतना लायक पुत्र, इतना योग्य पुत्र आज क्या कह रहा है, ऐसा कभी इसके मुंह से शब्द नहीं निकला, ये क्या बोल रहा है। महात्मा थे दोनों, उन्होंने कहा बेटा कुछ दूर और ले चलो फिर बताएंगे। आगे चले, सीमा पार हो तब उनके भौर क्या बड़ा अपराध हुआ, साष्टांग प्रणाम किया था, बड़ा अपराध हुआ, हमने क्या कह दिया। कहा बेटा तुम्हारा दोष नहीं था, वो स्थान का दोष, और इस अमुक अमुक दैत्य ने, अमुक अमुक दानव ने वहां वहां इस प्रकार का अनाचार, पापाचार, दुराचार किया है, उनके संस्कारों से भूमि संस्कृत है, और उन संस्कारों का असर, संस्कारों का प्रभाव। पद्म पुराण में कहीं लिखा है कि लक्ष्मण जी पर एक असर पड़ा बड़ा भयंकर, लक्ष्मण जी जैसे महापुरुष पर कोई कल्पना ही नहीं, जिनके लिए सुमित्रा का उपदेश, राग रोष ईर्षा मद मोह जन स्वपन हो इनके बस हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। ऐसे लक्ष्मण जी को इस दिन विवाद हो गया राम, इतना विवाद हो गया कि अलग हो गए, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, राम सीता अलग और लक्ष्मण अलग। तो जाने कैसी कैसी कल्पना मन में उठी उनके। फिर जब उस स्थान से आगे बढ़ गए तब फिर उनको हुआ है हमने क्या क्या क्या, रोने लगे क्या भैया चलो ये कोई स्थान का प्रभाव होगा, चलो किसी महात्मा से पूछे। तो वहां कोई ऋषि थे, उनसे पूछा कि महाराज इस तरह से लक्ष्मण के मन में ऐसी भावना आई कैसे आई। उन्होंने बताया अरे तो लक्ष्मण ही थे जो कम से कम जो है नाम मानसिक ही विचार रह गया, सक्रिय नहीं हुआ, नहीं तो और भी दूसरी बात हो सकती थी। और वहां अमुक अमुक दानवों ने, अमुक अमुक दैत्यों ने, अमुक अमुक राक्षसों ने किस प्रकार का अनाचार किया है, उनके उन अनाचारों के संस्कारों से वहां का वातावरण, वहां का परमाणु, वहां का वायु, वहां का आकाश दूषित है, वहां कोई भी जाएगा उसके मन में विकार पैदा। कई स्थान ऐसे होते हैं जहां अकस्मात मन में एकदम शांति आ जाती है, भगवान का ध्यान होने लगता है, इस स्थान की महिमा। तो जहां अधिक रूप से भगवान नाम कीर्तन चलता है, भगवत ध्यान चलता है, भगवत चरित्र चलता है, भगवत चिंतन चलता है, उसके प्रभाव से वो भूमि संस्कृत होती है, वो आकाश संस्कृत होता है, उससे संपर्क होने वाले व्यक्ति उनसे प्रभावित होते रहते हैं। तो इसीलिए ये सब श्लोक है ना, तत्रैव गंगा यमुना यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, वही गंगा है, वही जमुना है, वही सरस्वती है, वही गोदावरी है, जहाँ अच्युत भगवान की उदार कथा का प्रसंग चलता है, अच्युत भगवान की उदार कथा का प्रसंग चलता है। सर्वाण तीर्थान बसंत तत्र यत्राच्युत उदार कथा प्रसंग। तो इसीलिए ये भी बतलाया है अच्छे लोगों को ऐसी जगह रहना न चाहिए जहां भगवान की कथा न होती। क्या है
इसका भी है ना, नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधो भागवता भागवता सदाश्रया नजत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेंद्र लोको पे न बैस से बेताम। सुरेंद्र लोक हो वहां भी नहीं रहना चाहिए, जिस सुरेंद्र लोक में, जिस सुरेंद्र लोक में भगवान का यज्ञ न होता हो, भगवान का मख महोत्सव न होता हो, भगवान का कथा प्रसंग न होता हो, भगवान की कथा वार्ता न होती हो, ऐसे इंद्रलोक में भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए सुनने वालों को भी फायदा होता है, कहने वालों को भी फायदा होता है, और उस देश काल पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, उस समय में भी और कालांतर में भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह से सब बहुत सी बातें हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का आषाढ़ शुक्ल द्वितीया बंदरुहाननम विभ्रदाव्रतम घनरजस्वलम दर्शयन मुहुर मनस न स्मरम वीरज छतीसव। वीर की व्याख्या हुई थी भिन्न भिन्न ढंग से, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, इसकी सबकी व्याख्या हुई। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम पद्मजार्चितम धरणिमंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजम संत मंचते रमणस्तने स्वर्पयाधिहन चबुर स्वरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम इतर राग विस्मारणंदनाम अटत जद भवानन्य काननम, अटत जद भवानन्य काननम सुटर जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिलकुंतलम श्रीमुखंच दिते जड़ उदीक्षताम पक्षमुखदृशाम। श्री गोपांगना, कल जो प्रसंग चल रहा था उसमें यही कहा गया था कि अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु का चिंतन यही जीवन का सार है, और संपूर्ण वेद वेदांगों के महातात्पर्य का विषय है, तथा च प्रतिक्षण मन संसार से विमुख होकर के उसी अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्व प्रकाश पर ब्रह्म के चिंतन में तल्लीन रहे, यही जीवन का सार है। परंतु संसार का स्वभाव है, प्राणी का स्वभाव है कि वो संसार के ही चिंतन में व्यस्त रहता है, भगवत चिंतन उसको उतना रुचिकर नहीं प्रतीत होता जितना संसार का चिंतन। समझदार लोग जो हैं, जो जानते हैं कि संसार निस्सार है, भगवान ही सर्वोत्कृष्ट सर्व प्राणी पर प्रेमास्पद है, वे लोग भी स्वभाव से लाचार होकर के और जगत चिंतन में संलग्न होते। इसलिए उसी एकमात्र परम तत्व को अनेक रूप में प्रकट करके और चिंतन का विषय बनाने का यत्न है शास्त्रों में, किसी न किसी ढंग से। अब समझ लीजिए कि जिसको सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म
ये ब्रह्म स्वरूप प्रतिक्षण भासित होता हो, उसके लिए जतो वायमान भूतानि जायन्ते की जरूरत नहीं, तटस्थ लक्षण की चिंतन की जरूरत नहीं, उसमें तो संसार बहुत सा आ जाता है। जतो वायमान भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ते जित प्रजन्ते विषम विशन्ति, अनंत ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसमें स्थित होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसमें विलीन होता है, वह परब्रह्म उसका चिंतन करो। तो आया ना, बहुत सा संसार आया, अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिससे होती है, अनंत ब्रह्मांड का चिंतन भी तो आ गया, अनंत ब्रह्मांड का पालन जिससे होता है इसमें भी अनंत ब्रह्मांड आ गया, अनंत ब्रह्मांड का विलयन जिसमें होता है ये भी अनंत ब्रह्मांड का चिंतन आ गया। तो जिसको केवल सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म की स्फूर्ति हो रही है वो काहे तटस्थ लक्षण के चिंतन में लगे, तटस्थ लक्षण के चिंतन में वही लगते हैं जिनका मन स्वरूप लक्षण में प्रतिष्ठित नहीं, स्वरूप लक्षण में जिनका मन प्रतिष्ठित है उनको अन्य चिंतन की आवश्यकता नहीं। तो लेकिन स्वरूप लक्षण में इतना स्थिर मन हो ये तो बड़े समाहित का काम है, समाधि संपन्न व्यक्ति जो है वही सर्व विकल्प शून्य जाति गुण क्रिया आदि विकल्पों से शून्य सुप्रकाश अखंड ब्रह्म का चिंतन कर सकता है। इसीलिए भगवत चिंतन के साथ माया का चिंतन करना पड़ता है, माया के द्वारा ही भगवान का चिंतन करना पड़ता है। इसीलिए भागवत आदिकों में बतलाया है भगवान की माया का वर्णन करने से, भगवान की माया का चिंतन करने से प्राणी की अंतरात्मा माया से मोहित नहीं होती, इसलिए भगवान की माया का चिंतन करना भी विहित। मायां वर्णय तो मुच्य ईश्वरस्यानुमोदतः श्रद्धया शृण्वतो राजन मायात्मा न मुह्यति। जो भगवान की माया का वर्णन करता है उसका अनुमोदन करता है, उसका श्रवण करता है, उसकी अंतरात्मा माया से मोहित नहीं है। तो माने स्वतंत्र रूप से माया का चिंतन तो अनिष्टकारी, परंतु भगवदीयत्वे न जो माया का चिंतन है वो माया भगवान की शक्ति है। भगवदीयत्वे न जो माया का चिंतन है वो माया का चिंतन भगवत चिंतन ही हो जाता है। वो माया जैसे रावण का चिंतन भी अंततोगत्वा राम का चिंतन हो जाता है। रावणारी रावणारी का ध्यान करो, कहते भाई रावणारी की कथा कहो, रावणारी का ध्यान करो, तो रावणारी का ध्यान कहोगे तो अंततोगत्वा है तो रावणारी राम, लेकिन प्रसंगानुसार रावण भी तो आ गया, इसलिए रावण न हो तो रामायण कैसे पूरी हो, रावण के बिना रामायण पूरी नहीं होती। इसीलिए शास्त्रों का बड़ा विचित्र सिद्धांत है जो जिसमें बहुत आस्तिकता की आवश्यकता है समझने के लिए। अब कितने वेदों में ऐसे मंत्र हैं सकाम सकाम कर्म के बोधन करने वाले वाक्य और उग्र कामना वाले भी हैं, निकृष्ट कामना वाले भी हैं, बहुत तरह के मंत्र हैं। कई निष्काम लोग कहते हैं भाई हम इस क्यों चिंतन करें, अब संध्या वंदन करने लगे मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्याम पदभ्याम यत् किंचित् कृतम इत्यादि इत्यादि, तो अब जो बहुत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं कहते हम ही सब काहे को कहें, हम तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ खराब कर्म करते ही नहीं, फिर इसको काहे करें। जिससे कुछ दुरित बन जाए, दुरित होता हो वो ऐसे मंत्र से आचमन करे, विनियोग करे, जिससे दुरित बनता ही नहीं हो काहे को झगड़े में जाए, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ठीक नहीं।
क्योंकि ये सब चीजें जो है सो सकाम के लिए तत्त्व फल देने वाले हैं और निष्काम के लिए परमपद देने वाले, निष्काम के लिए सब परमपद देने वाले, क्योंकि मंत्रों का फल होता है विनियोग के अनुसार, जैसा विनियोग होता है वैसा उनका फल, मंत्र का अर्थ कुछ भी हो, मंत्र का अर्थ जो हो सो हो, मंत्र का जिसमें विनियोग है वही मंत्र का फल होगा। जैसा लोग कहते शनैश्चर का मंत्र रहा, क्या शनो देवी रिभिष्टे, यहां शनैश्चर की क्या चीज है, यहां तो जलों जल की प्रशंसा है, दे दीप्यमान आप जल उनकी प्रशंसा है, यहां शनो देवी क्या अर्थ। तो खैर वो अर्थ वर्थ भी निकाला जाता है, उसको भी सब जो निकलता है, लेकिन सीधी सी बात है, मीमांसा का मत है कि द्रव्य विधया मंत्रों का विनियोग होता है, जैसे ब्रीही जवादी द्रव्यों का, ब्रीही जवादी द्रव्यों का विनियोग होता है, ब्रीहिभिर जयेत जवैर्वा, ब्रीही जव का अर्थ कुछ नहीं होता, अर्थ कुछ नहीं होता तो भी ब्रीही जवादी द्रव्य यज्ञ में उपयुक्त होता है, जैसे ये मंत्र द्रव्य रूप से तत्त्व कर्म में उपयुक्त है, जैसे ब्रीहिभिर जयेत तैसे अनेन मंत्रेण एतत् कर्म कुर्यात्, इस मंत्र से ये कर्म करे, बस उस वो मंत्र जो है अर्थ उसका जो कुछ भी होता हो द्रव्य विधया वो मंत्र उस कर्म में उपयुक्त है और उससे उसका फल होता है। इस दृष्टि से रामायण में सुंदर कांड रामायण का पाठ कर रहे हो, वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में रावण का पान भूमि वर्णित, रावण की पान भूमि, यहां रावण अपना क्या नाम सुरापान करता था और वहां ओ दिव्य दिव्य अंगनाएं बैठी हैं, हनुमान जी कहते मालूम होता है जो आकाश से ताराएं गिरती हैं, आकाश से तारे टूट टूट कर जो गिरते हैं वो मालूम होता सब यही आए, इतनी इतनी सुंदरियां दिव्य दिव्य सुंदरियां, तो कहते हो जो आकाश से तारे टूट टूट कर गिरते हैं वो सब यही है मालूम होता, अत्यंत सुंदरी बड़े देवांगना है और गंधर्वांगना है और भिन्न भिन्न राजकन्याएं हैं, भिन्न भिन्न ढंग के उनके अनंत माधुर्य अनंत सौंदर्य अनंत लावण्य अनंत भूषण और बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार, उसमें कितना वर्णन किया है वाल्मीकि। तो बोलो साहब रावण की पान भूमि का वर्णन कौन सा पुण्य है, रावण की पान भूमि का वर्णन, रावण की उन अंगनाओं का वर्णन, उनके तत्त अंग प्रत्यंगों का वर्णन, वो कौन सा पुण्य है, तो कुछ मतलब नहीं, ये मत पूछो ये मत सोचो, सब रामचरित्र का अंग होने से सब रामचरित्र, ये सब रामचरित्र का अंग है, ये सब वर्णन न हो तो रामचरित्र अपूर्ण रहेगा, तो इसलिए ये भी एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, जो रामायण की महिमा है एक एक अक्षर महापातक को नष्ट करने वाले, चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम, रघुनाथ जी के मंगलमय परम पवित्र चरित्र शतकोटि प्रविस्तर हैं, उन शतकोटि प्रविस्तर राघवेंद्र के चरित्र में एकैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर महा महापातकों को नष्ट करने वाला होता, तो ये पान भूमि के वर्णन वाले एक एक अक्षर भी उसी प्रकार से रामायण के अंग होने के कारण महापातकों को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए वहां ये न सोचो कि बेकार का समय जा रहा है, काहे को वर्णन करे, काहे को पाठ में 10 मिनट 20 मिनट इसके पाठ में लग जाएगा, बेकार है, क्या फायदा है उसको, छोड़कर आगे चल चलो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सब रामचरित्र का अंग होने के कारण रामचरित्र है और उसमें भी एक एक अक्षर में महापातकों के नष्ट करने की शक्ति है, इसी रूप से क्योंकि वो जिस अर्थ में उसका विनियोग है वही उसका फल है, उसका अर्थ कुछ भी होता हो। इस दृष्टि से फिर मन अति सूक्ष्म निर्विकार निराकार ब्रह्म के चिंतन में फिर नहीं हो पाता, इसलिए अनेक उपाधियों से अनेक विशेषणों से युक्त होकर भगवान की चिंतन का विधान, आदित्य मंडलांतर्गत तेजोमय प्रकाशमय परब्रह्म स्वरूप का चिंतन करो, मनो ब्रह्मेत्युपासीत
मन को ब्रह्म रूप से उपासना करो, अन्नम ब्रह्मेत्युपासीत, भिन्न भिन्न उपाधियों को जोड़ा, अमुक अमुक उपाधियों से विशिष्ट, चलो अकेले सच्चित सुखम का चिंतन नहीं कर सकते, सच्चित सुखम का चिंतन नहीं कर सकते तो चलो आदित्य मंडलांतर्गत सच्चित सुखम का चिंतन करो। व्याहृत्य वयवात्मा हिरणगर्भ विशिष्ट सच्चित सुखम का चिंतन करो। अनेक प्रकार के विशेषण उपस्थित, इन इन विशेषणों के साथ भगवान का चिंतन करो तो मन को बहुत कुछ अवलंबन मिल जाता है, सहारा मिल जाता है। इसीलिए वो वेद स्तुति में है ना, रामायण में वेद, ते कहीं जान ही नाथ हम तव सगुण जस नित गावहीं, सगुण जस नित गावहीं, जो आपके अद्वैत अनंत अखंड निर्विकार विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप को वर्णन करते हैं और ध्यान करते हैं, अच्छा है ध्यान करो, पर हम तो आपके सगुण जश को ही नित्य गाते हैं। मतलब सार यही है कि इन सब अनेकानेक विशेषणों से विशिष्ट भगवान के चिंतन में सुविधाएं होती हैं। उसी रूप में वही अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा पर ब्रह्म, वही रामचंद्र राघवेंद्र पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ, वही कृष्णचंद्र परमानंद कंद पर ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ, और उसी कृष्णचंद्र परमानंद कंद की अनेक प्रकार की दिव्य मंगलमयी लीलाएं हैं, उन लीलाओं से युक्त भगवान का चिंतन करो। अब उसमें भी कोई केवल भगवान का ध्यान करते, भगवान की मंगलमयी मूर्ति का ध्यान करते हैं, अब उसमें भी सूक्ष्म सूक्ष्म लोग खाली भगवान के मुखचंद्र का ही चिंतन करते हैं और कुछ नहीं। सुस्मितम भावयेन मुखम, केवल भगवान के सुस्मित मुख चंद्र का ही ध्यान करो और कुछ। कई लोग भगवान के पादारविंद की नखमण चंद्रिका का ही चिंतन करते हैं बस, और कुछ नहीं। इस तरह से भिन्न भिन्न ढंग से चिंतन के रूप हैं। तो परंतु तत्त लीलाओं से विशिष्ट भगवान का चिंतन करने के अधिकारी बहुत मिल जाते हैं। इसीलिए फिर रामायण की लंबी कहानी, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कन्द भगवान की लंबी कथा, विशाल कथा। अब मन कहां लगावा ये प्रश्न नहीं खड़ा होता, मन कहां लगावा ये प्रश्न नहीं खड़ा होता, बहुत जगह है मन लगाने को। लेकर रामायण बैठ जाओ, मन लगे लगाया हुआ, लेकर श्रीमद् भागवत बैठ जाओ, मन लगा लगाया हुआ, कहीं से उठा लो भगवत चिंतन, भगवत ध्यान, भगवत स्वरूप चिंतन, भगवत गुण कीर्तन, भगवत नाम कीर्तन, भगवत स्वरूप कीर्तन, मन को बड़ा अवलंबन मिल जाता है। उन अनेक लीलाओं में रस लीला भगवान की मधुर मंगलमयी लीला है, रस स्वरूप लीला है, उनमें भी फिर गोपी गीत, गोपी गीत पंचाध्यायी में एक अध्याय गोपी गीत, गोपी गीत का प्रसंग चल रहा है। गोपांगना अपने भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र की अनेक प्रकार से स्तुति कर रही हैं, अनुनय विनय कर रही हैं, और कई तरह के इनके भेद वर्णन किया था। कई गोपांगना सात्विकी हैं, कई राजसी हैं, कई तामसी हैं। तामसी तीन तरह की, तामसी तीन तरह की तामसी, एक तामसी है सात्विक तामसी, और एक तामस तामसी, और एक राजस तामसी। सात्विक तामसी, तामस तामसी, राजस तामसी, देव निंदिका सात्विक तामसी, देव की निंदा करने वाली जो है, देवताओं की निंदा कर रही है, वो सात्विक तामसी। निंदा तो करती है, निंदा तो करती है, परंतु देवताओं की निंदा करती है, देव निंदिका। जैसे ऐसे प्रसंग में कि
देवादि योनि में भी अगर भगवत पद प्राप्ति नहीं हुई, भगवत ध्यान विमुखता है, कैसे है ना सुरेंद्र लोकोपि न वैससे व्यताम, उस सुरेंद्र लोक का भी आदर नहीं करना चाहिए जहां भगवान की मंगलमयी कथा सुधा पगा का प्रवाह न हो। नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधो भागवतास्तदाश्रया नजत्र जज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेंद्र लोकोपि न वैससे व्यताम। और जैसे किंतुंत कास लुलितात पततां विमानात जा निर्वृत स्तनु भृतान तव पाद पद्म ध्यानात भवज्जन कथा श्रवणेन बास्यात, जो आनंद आपके भक्तों की मंगलमयी गाथा को सुनने से प्राप्त होता है, आपके मंगलमय पादारविंद के ध्यान से जो निर्वृत्ति जो सुख प्राप्त होता है, सा ब्रह्मण स्वहिमन्यपि नाथ मा भूत, वो स्वप्रतिष्ठित पर ब्रह्म में भी वो सुख नहीं होता। फिर अंतक की तलवारों से, अंतक की तलवार से विच्छिन्न हुए, छिन्न भिन्न हुए विमानों से गिरने वाले देवताओं को वो सुख कहां से मिल सकेगा, इत्यादि इत्यादि रूप से जो देवताओं की निंदा है, देवताओं की निंदा करने वाली जो गोपांगना है वो तामसी सात्विक तामसी, लेकिन भगवान निंदिका जो है वो तामस तामसी, जो भगवान ही की निंदा करती भगवान ही की निंदा करती है। श्याम सुंदर आप में ये दोष है, आप ये यहां जितनी जितना अधिक तम उतना अच्छा है ना, ये हम पहले वर्णन कर चुके हैं। यहां तम का, यहां सत्व की महिमा नहीं, यहां तम की महिमा, सत्व की महिमा यानी तम की महिमा। गोपांगनाओं को, अभिसारिकाओं को चांद्रमसी रात्रि नहीं सुहाती जितनी तमिश्रा रात्रि सुहाती, अभिसार में, अभिसार में तमिश्रा रात्रि अनुकूल है, अभिसार में तमिश्रा रात्रि अनुकूल है, चांद्रमसी रात्रि अनुकूल नहीं, इसलिए वहां चांद्रमसी रात्रि का महत्व नहीं। जो भी लोग जो है तो क्या नाम शुक्ल पक्ष है, बोलने लगे कृष्ण पक्ष है, पहले क्या बोल रहे हो चौबे जी, अरे कहने लगे यहाँ कृष्ण पक्ष रहता है, यहाँ शुक्ल पक्ष होता ही नहीं ये वृंदावन धाम है ना, ये कृष्ण पक्ष है, यहाँ दूसरा पक्ष कुछ नहीं होता तो इस तरह से यहाँ तम का महत्व है, सत्व का महत्व नहीं। इसीलिए वो तीन तरह का जो वर्णन किया है, कभी आसक्ति निरोध, प्रेम निरोध, आसक्ति निरोध, व्यसन निरोध, व्यसन निरोध, तीन प्रकार का निरोध वर्णन किया। तो उसमें प्रेम निरोध सात्विक, आसक्ति निरोध राजस और व्यसन निरोध तामस है। तो तामस व्यसन निरोध है, किंतु वही उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट जो है व्यसन निरोध है तामस होने के कारण। ऐसे तामस तामसी है, इसीलिए देवनिंदिका सात्विक राजसी हुई और आत्मनिंदिका अपनी ही निंदा करने वाली, ये मेरा जीवन धिक है, मेरे इसको धिक्कार है, मेरा ये है, अगर प्रभु के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन नहीं हुआ तो यहां आंख बेकार, अगर प्रभु के मंगलमय मुख चंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष रस का समास्वादन नहीं हुआ तो श्रोत्र बेकार। तम विलोकयतो रविलोकनि श्रवणयो रलमत श्रवणिर मम, अगर मदन मोहन के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन ये नयन नहीं करते तो नयनों के होने की अपेक्षा नयनों का न होना ही अच्छा। तम विलोकयतो रविलोकनि श्रवणयो रलमत श्रवणिर मम, अगर उनका श्रवण नहीं हो रहा है भगवान के मंगलमय मुख चंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष रस का आस्वादन नहीं है, भगवान के वचनामृत का रस आस्वादन नहीं है तो श्रवणयो रलमत श्रवणिर मम, श्रवण होने की अपेक्षा अश्रवण ही होना ही अच्छा है।
इत्यादि रूप से जो आत्मनिंदा है यह है राजस तामस, और तामस तामस ही भगवान निंदिका, जो भगवान के ही निंदन में लगी हुई श्याम सुंदर आप में ये दोष है, आप में ये, उनका मन और कहीं नहीं जाता, निंदा करती हैं तो उन्हीं की करती हैं, स्तुति करती हैं तो उन्हीं की करती हैं, उन्हीं में निरंतर संलग्न है, इधर उधर कहीं बुद्धि भटकती है। तो वो गोपांगना अपने श्याम सुंदर भगवान कृष्णचंद्र से नाना प्रकार से विनय करती हैं, अनुनय करती हैं, अनेक जूथ इसमें शामिल हैं, गोपांगनाओं की कोट कोट संख्या है, कोट कोट संख्या वाली गोपांगनाओं में अनेक प्रकार के यूथ हैं, अनेक प्रकार की उनकी स्थितियां हैं, सब अपने अपने भाव के अनुसार अपने भगवान का स्तवन करती है, और सबका लक्ष्य यही है कि प्रभु का दर्शन हो जाए। आप जो दिन के समय अन्य दिन के समय काननम अटति, कानन में भटकते हैं, अटत जद भवानन्य काननम, माने कहते हैं आजकल कहते हैं क्या नाम, घुमक्कड़, घुमक्कड़ लोग, जिनका कुछ मतलब नहीं है, घूम रहे हैं घुमक्कड़ लोग, पर्यटन, पर्यटक है, पर्यटक कार्यालय है, पर्यटक विभाग है, ये बड़ा विशाल इसका आयोजन। तो गोपांगना कहती है वन में कुछ काम नहीं है आपका, केवल अटत जद भवानन्य काननम, पर्यटन कर रहे हैं वन में, पर्यटन कर रहे हैं, अटत जद भवानन्य काननम, कुछ प्रयोजन नहीं है। क्या है वो, क्या है वन में, कुछ प्रयोजन नहीं, कोई सुंदर वस्तु देखने की है, क्या देखने वन में जाते हो, अटत जद भवानन्य काननम, अर्थात गोकुल में और नंदक ग्राम में परसाना में राशेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन हो सकता है, आपके नेत्र सफल हो सकते हैं, आपका जीवन सफल हो सकता है। वन में क्या धरा हुआ है, क्या ढूंढते हो वन में, अटत जद भवानन्य काननम, हाँ तो फिर आप तो अटत ही, आप तो केवल पर्यटन करते हैं, पर यहां त्रुटि जुगायते, त्रुटि जो है, त्रुटि काल जो है, त्रुटि काल बहुत सूक्ष्म काल होता है, त्रुटि काल विश्वनाथ चक्रवर्ती मैंने लिखा है कि क्षण का 27वां भाग, क्षण जो होता है ना, क्षण का 27वां भाग, क्षण कितना पहले सूक्ष्म है, क्षण अग्राह्य, क्षण इतना सूक्ष्म है कि जो बुद्धिग्राह्य नहीं, उससे भी सूक्ष्म 27वां हिस्सा त्रुटि, सेकंड से भी बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसको तो क्या नाम, सेकंड तो साफ अनुभूत होता है, सेकंड तो अनुभूत होता है, अनुभव में नहीं आता वो, तो ये है कि कमल पत्र हो शत पत्र कमल, कमल का 100 पत्ता, और बेग से मारो तलवार, कमल के 100 पत्ते पर तलवार मारो, और 100 पत्र को भेदन करने में तलवार में जो पौरवा पर्ज है, किसके बाद किसका भेदन हुआ, किसके बाद किसका भेदन हुआ उससे भी और सूक्ष्म क्षण है ये भी, फिर भी कुछ किसी तरह से अनुभव में हो सकता है। अति सूक्ष्म काल है, माने समझ लिए कि इतनी तीव्र गति से सूर्य नारायण चलते हैं, वो एक फिर श्रेणु को जितने क्षण में पार करते हैं, वो काल सबसे सूक्ष्म काल है। सूर्य नारायण की गति कितनी भीषण, उस भीषण गति के साथ जो श्रेणु स्थान को जितने
समय में पार करते हैं, इतने वेग वाले सूर्य नारायण त्रिशेणु को जितने क्षण में पार करते हैं, कितना सूक्ष्म काल है। तो अस्तु इस पर और वर्णन करेंगे फिर। तो अभी तो कहते हैं त्रुटि काल जो है वो भी जुग आए थे, जुग के तुल्य मालूम पड़ता है। जुग बीत गया मन त्रुटि क्षण क्या बीता माने जुग बीता। क्यों? त्वाम अपश्यताम, आपके अदर्शन। श्याम सुंदर भगवान कृष्णचंद्र वन में अटन कर रहे हैं, उनकी परम प्रेयसी गोपसी मंतिनी उनके विप्रयोग जन तीव्रताप से संतप्त होकर त्रुटि परिमित काल को भी युग के तुल्य समझ करके कथंचित व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है, क्या विशेषता है? बोले भगवान, आप भगवान हो। भगवान माने भवस्य दग्ध कामस्यापि अनह प्राणः। भव जो है, भव कौन? शंकर। जो दग्ध काम, जिन्होंने अपने दृष्टि से कंदर्प को जलाकर भस्म कर दिया, तो जिसने काम को अपने दृष्टि मात्र से जलाकर भस्म कर दिया, ऐसे जो भाव है भवस्य दग्ध कामस्य भवस्यापि अनह प्राणः अनिति चेष्टते इति अनह प्राणः। माने दग्ध कामस्य शंकरस्यापि, क्या नाम, जीवन भूतः। दग्ध काम जो शंकर हैं उनके जीवन जीवन उनके प्राण। तो फिर विमुत वक्तव्यम अस्माकं कामिनीनां भवान अनह भवे। जिसने काम को जलाकर भस्म कर दिया है उसको भी आप इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि उनके जीवन सर्वस्व, शंकर भगवान के जीवन सर्वस्व। तो जब दग्ध काम के भी जीवन सर्वस्व हैं, तो फिर सकाम के जीवन सर्वस्व क्यों ना हो आप? सकाम के जीवन सर्वस्व तो ही क्या, हम तो कामिनी हैं। गोपांगना कहते हम तो कामिनी हैं, कामिनियों के लिए परम प्रिय परम सुंदर श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्णचंद्र जीवन भूत हैं, इसमें संदेह ही क्या। अर्थात ये आया कि व्यवहार में जो वस्तु प्यारी होती प्रिय होती है ये उसका महत्व है प्रेमास्पद का, कि रागियों का रागास्पद कोई सुंदर चीज होए, ये तो होता ही है, संभव ही है। किसी बड़ी सुंदरी स्त्री को देख करके किसी रागी का मन उत्कंठित हो जाए, ये तो सहज बात। पर विशेषता वहां होती है जहां किसी बीतराग का मन चंचल हो उठे, बीतराग का मन चंचल हो उठे, ये विशेषता होती है। तो अनंत ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि कंदर्प दर्प दमन पटियान अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जल निधि भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन इतने सुंदर हैं, मधुर मनोहर हैं, उनमें रागियों का मन गोपांगनाओं जैसी कामिनियों का मन आकृष्ट हो जाए, ये तो सहज बात है, स्वाभाविक बात है। परंतु जिनका उससे राग का संबंध नहीं, जिन्होंने राग को समूल उन्मूलन कर दिया है, राग को जलाकर भस्म कर दिया है, काम को जिन्होंने समूल उन्मूलन कर दिया है, उनके भी ये प्राण सर्वस्व, वो भी इनमें अनन्य अनुराग करते हैं, इनके बिना क्षण भर नहीं रह सकते। तब जब काम को दग्ध करने वाले बीतराग आप्त काम पूर्ण काम भगवान विश्वनाथ भी
आपके बिना एक क्षण भर भी नहीं टिक सकते, तो फिर हम कामिनी आपके बिना एक क्षण कैसे टिक सकें। इसलिए हमको त्रुटि युग के तुल्य प्रतीत हो तो सीधी सी बात है, इसमें कौन कठिन है। त्रुटि युगायते, त्रुटि परिमित काल भी युग के तुल्य प्रतीत होता है, क्योंकि आप प्राण हैं। तो प्राण के बिना तरह सोचो तो सही, बड़ी अच्छी बात आ जाती, विचार करते ही करते तो चीज सामने आती। छोटा काल बड़ा काल कब मालूम पड़ने लगता है, जब प्राण पर संकट आता है। बीमारी हो गई कोई है? बीमारी हो गई तो रात बीतनी बड़ी मुश्किल होती, क्यों जाने कितनी रात बीत गई पता ही नहीं लगता। सायंकाल से सोए और सवेरे 8 बजे तक सोते ही रहे, पता ही नहीं लगा रात कहां गई। क्यों? सुख था, प्राण पर कोई संकट नहीं था, प्राण पर संकट नहीं था, सुख था, रात बीत गई। बड़ा काल छोटा काल मालूम पड़ा, सुख में बड़ा काल भी छोटा काल मालूम पड़ता है। यही गोपांगना तास तास छपा प्रेष्ठतमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण। श्री कृष्ण भगवान कहते वो क्षपाएं, वो रात्रियां, कौन रात्रियां? जिस एक प्रहर चतुष्टयवती रात्रि कोटि कोटि ब्राह्मी रात्रि सन्निविष्ट है, ब्रह्मा की रात्रि, एक रात्रि नहीं कोटि कोटि ब्राह्मी रात्रि एक प्रहर चतुष्टयवती रात्रि के भीतर सन्निविष्ट है। वो बहुत सी क्षपाएं, बहुत सी रात्रियां बीत गई, कैसे क्षणार्धवत, अर्ध क्षण के तुल्य अनंत अनंत ब्राह्मी रात्रियां सन्निविष्ट है जिस प्रहर चतुष्टयवती रात्रि में। ऐसी अपरिगणित रात्रियां बीत गई मेरे साथ, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे साथ, वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम में, यमुना के पुलिन में, वो शीतल मंद सुगंध अनिल में, और वो मुझ श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चंद्र के साथ रास विलास हास परिहास करते करते ये बड़ी बड़ी रात्रियां क्षणार्धवत, क्षण क्षणार्ध के तुल्य बीत गई पता ही नहीं लगा। गोपीनाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने, गोपीनाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने, गोविंद के दर्शन में, भगवान के दर्शन में गोपियों को परमानंद प्राप्त होता था, अनंत आनंद प्राप्त होता था। उस अनंत आनंद में ब्रह्मा की बड़ी बड़ी रात्रियां भी क्षण के तुल्य बीत जाती। क्यों? अन्न को संकट, प्राण को संकट नहीं, प्राण को संकट नहीं, प्राण सुखी है तो कोटि कोटि कल्प भी क्षण के तुल्य बीत जाता है। और प्राण दुखी है, प्राण को खतरा है, तो फिर एक क्षण हजार हजार युग की तरह बीतता। इसलिए रहस्य है खाली प्राण, प्राण को संकटापन्न होना, प्राण से जहां वियोग होने की संभावना है, प्राण से वियोग होने की, तो आप प्राण हैं, हमारे ही प्राण नहीं भाव के प्राण है, दग्ध काम भाव के, भवस्य दग्ध कामस्य भवस्यापि अनह प्राणः। तो प्राण से वियुक्त होकर कौन जीना चाहता है? शंकर के भी प्राण है, शंकर भी जैसे कोई भी प्राणी जैसे प्राण के वियोग में विह्वल हो जाता है, ऐसे आपके वियोग में कोई भी विह्वल हो सकता है। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम, तुम तज नहीं सुहात ग्रह तात ति नहीं विधि बाम। प्राण के प्राण है आप, प्राण के वियोग में कष्ट होता है तो प्राण के प्राण का वियोग होने लगे तो कैसा कष्ट हो। जब प्राण के वियोग में प्राणी को कष्ट होने लगता है, प्राण के वियोग में क्षण क्षण का काल कोटि कोटि कल्प के तुल्य प्रतीत होने लगता है। प्राण का प्राण जो है, भाव का प्राण जो है, दग्ध काम भगवान भाव शंकर का जो प्राण है, उस प्राण के वियोग में शंकर भी विह्वल हो उठते हैं, उनको भी क्षण भर भी कोट कोट कल्प के तुल्य प्रतीत होने लगता है। तो जहां जहां भीतर आग को, निष्काम को, यानी सुंदर वस्तु के विप्रयोग में सकाम को कष्ट हो सकता है, निष्काम को तो नहीं कष्ट हो सकता,
परंतु शंकर तो निष्काम है, आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम है, परंतु निष्काम शंकर को भी क्योंकि उनके आप प्राण हैं इसलिए प्राण के वियोग में जो कष्ट होता है वही कष्ट शंकर को होता है, तो फिर किमु तो वक्तव्य अस्माकं कामिनीना। इसलिए उसी में हेतु हुआ त्रुटिर जुगायते त्वाम पश्यताम, आपके दर्शन न होने से, आपके मंगलमय मुखचंद्र का दर्शन न होने से, आपके पादारविंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन न होने से, आपके दामिनीदूत विनिंदक पीतांबर का दर्शन न होने से, आपके अनंत सौंदर्य माधुर्य सौंदर्य सुधा जल निधि श्री विग्रह का दर्शन न होने से त्रुटि जो है वो युग के तुल्य प्रतीत होता है, क्योंकि आप भगवान हैं। और न केवलम भवस्यात् किंतु सर्वस्यैव भवस्य भवान अनह, सारा भव जो है, सारा संसार जो, सारे संसार के ही आप प्राण, केवल शंकर के ही प्राण है ऐसी बात नहीं, हमारे ही प्राण है ऐसी बात नहीं, संसार के ही प्राण आप। वेद कहता है न प्राणेन न पानेन मर्तो जीवति कश्चनो इतरेण तो जीवंत, जिसमें नेता उपाश्रित हो। प्राणी खाली लौकिक प्राण से नहीं जीवित रहता, प्राणी खाली लौकिक अपान से नहीं जीवित रहता, किंतु प्राणी जीवित रहता है इतर, जिसमें ये प्राण अपान दोनों आश्रित, प्राण और अपान दोनों जिसके सहारे चलते हैं। कोई एक सूत्राधार, जिस सूत्राधार के आधार पर प्राण चलता है, अपान उठता है, फिर प्राण खत्म होता है, फिर अपान खत्म होता है, प्राण उदित हुआ और प्राण फिर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर लीन हुआ, फिर अपान उदित हुआ, वो अपने गंतव्य स्थान पर जाकर विलीन हुआ, फिर प्राण उदित हुआ, इनका ये क्रम चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। प्राणोपासना है, प्राणोपासना योग वासिष्ठ में प्राणोपासना की बड़ी महिमा है। काग भुजंड जी ने प्राणोपासना का उपदेश वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी को प्राणोपासना का उपदेश दिया है काग भुजंड जी ने योग वासिष्ठ में। वो केवल प्राण का ही चिंतन, प्राण अपान, प्राण अपान, प्राण का भीतर से बाहर आना, बाहर का भीतर से जाना, भीतर से बाहर आना, उसी में हंसत सोहम आदि भावना करना। हंसा भगवान का नाम, एक एव हंत गच्छति इति हंसा, हंस माने भगवान, क्या नाम, सूर्य का भी नाम हंसा है ना, हंसा सुच शब्द सुरंतरिक्ष शब्द होता होता वेद सद अतिथि द्रोण सद नृषद बरसद द्रत सद व्योम सद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहत, ये सब सूर्य के नाम हैं। और सूर्य के नाम होते हुए भी ये सब जो पर ब्रह्म के भी नाम हैं, इसलिए हंसा एक एव आकाशे गच्छति इति हंसा। इसी तरह से जो है क्या नाम, वेदिशु वेदिशु अग्निरूपेण तिष्ठतीत वेदिशत नृषु तिष्ठतीत नृषत इत्यादि इत्यादि रूप से, तो हंसा ईश्वर का नाम है। उसी हंसा में फिर हंसा चलता है, सहा सकारेण बहिर्जाति, नहीं हकारेण बहिर्जाति, सकारेण अभिषेक पुनः, हकार से श्वास बाहर जाता है, सकार से श्वास भीतर आता है। हंसे च परम मंत्र जीवो जपत सर्वदा, हकारेण बहिर्जाति सकारेण विषेद पुनः, हंसे च परम मंत्र जीवो जपत सर्वदा, हकार से बाहर जाता है, सकार से भीतर जाता है, इस तरह से जीव सदा हंस इस मंत्र को जपता रहे। हंस ये भगवान का नाम है, मंत्र को जपता है। तो हंसा के बीच में, हंसा ये तो समझो पद हुए, अहम पद सह पद, बीच में क्या है वाक्यार्थ, ये तो पदार्थ, अहम पदार्थ है, सह पदार्थ है, और वाक्यार्थ है लक्ष्य भीतर सब प्रकाश ब्रह्म, जिसके आधार पर जैसे समुद्र से तरंग उदित होता, एक तरंग पैदा हुआ विलीन हुआ, दूसरा तरंग पैदा हुआ विलीन हुआ, तो जिस समुद्र में तरंग उत्पन्न होता है विलीन होता है वो समुद्र ही आधार है। जिस अखंड बोध में से ये प्राण उदित हुआ खत्म हुआ, अपान उदित हुआ खत्म हुआ, प्राण उदित हुआ खत्म हुआ, तो अगर कोई आधार न हो
प्राण उदित हुआ और खत्म हुआ, अपान उदित हुआ खत्म हुआ, अगर कोई बीच में कोई साक्षी आधार अधिष्ठान न हो तो मामले खत्म हो जाए, काहे को लौट करावे, गया श्वास पे काहे को लौट करावे। इसलिए वही आधार जिसमें नेता उपासक तो दोनों प्राण अपान जिसके सहारे टिके, वो प्राणापान का आधार वही भगवान है, वही परम ब्रह्म, वही परमेश्वर है। वाक्यार्थ वही ना हुआ ना, लक्ष्यार्थ माने दोनों तत्त्वम, तत्त्वम पद का वाक्यार्थ क्या है, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ वाक्यार्थ अभेद, इस तरह से। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस रूप से प्राण की उपासना चलती है, प्राण उपासना। तो वही प्राण, प्राण अपान दोनों का आधार भगवान है। तो न केवल शंकर का ही प्राण, न केवल हमारा ही प्राण, संपूर्ण विश्व का प्राण, विश्व का जीवन ही जिसके आधार पर, भगवान के आधार पर ही विश्व का जीवन है। इसीलिए भगवान सर्व प्राणियों के पर प्रेमास्पद माने जाते हैं, सभी प्राणियों के पर प्रेम के आस्पद। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने यह नहीं बताया हमारा प्राण है तुम्हारा प्राण, कहते आम तौर पर प्राण प्राण के, जीव के जीव, सुख के सुख राम, तुम तज जिन ही सुहात ग्रह, कोई भी हो, अयोध्या वासी हो और संसार वासी हो, कोई वासी हो, तुम तज जिन ही सुहात ग्रह, आपको छोड़कर जिनको घर अच्छा लगता है, आपको छोड़कर जिनको घर अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छी लगती है, तात नहीं विधि बाम, विधाता मानो उसका टेढ़ा। भगवान को छोड़कर जिनको दुनिया अच्छी लगे, घर अच्छा लगे, विधाता उनके लिए टेढ़ा। इस तरह से भवस्यैव सर्वस्य, संपूर्ण भाव संपूर्ण संसार के ही आप प्राण, जैसे प्राण बिना प्राणी निष्प्राण हो जाता है, ऐसे आप बिना जगत निष्प्राण हो जाता, निष्प्राण हो जाता, निष्प्राण मुर्दा है, ऐसे भगवत विहीन विश्व मुर्दा निस्तार। इसीलिए सुरेंद्र लोक वैश्यताम बोले, सुरेंद्र लोक भी हो उसको मत सेवन करो, मत रहो वहां सुरेंद्र लोक, जहां भगवान की मंगलमयी कथा सुधावान करने को न मिले, जहां भगवान के परम पवित्र चरित्रामृत रसा स्वादन करने को न मिले, जहां भगवत भक्तों का संग न मिले, जहां भगवत संबंधी यज्ञ मख महोत्सव न हो, वो इंद्रलोक भी हो वहां मत रहो। इसलिए संपूर्ण भाव के आप प्राण, इतना ही नहीं भाति बाति अनिति सर्वं काननम सर्वं जगत जस्मात् तद् भवान्। भाति बाति अनिति, सारा संसार सारा वन वृंदावन धाम भाति दीप्यमान होता है जिससे, आपसे ही वृंदावन चंद्र हो तो वृंदावन की आभा शोभा प्रभा कांति, वृंदावन चंद्र के बिना वृंदावन की आभा प्रभा शोभा कांति कहां। ये भाति और बाति माने सर्वम वनम, क्या नाम सुगंध है, बात प्रकाशयति काननम, बात प्रकाशयति भाति प्रकाशयति और बाति क्या नाम सुगंधित, सारा वृंदावन सुगंधित हो रहा है अपने अपने गंध से, अपने फूलों के सुगंध से। वृंदावन में फूल भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, बड़े दिव्य दिव्य पुष्प, मल्लिका मालती जाती जूतका चंपकादि बड़े लोकोत्तर पुष्प हैं, विभिन्न प्रकार के अम्लान पंकज हैं, नील कमल हैं, हरित कमल हैं,
रक्त कमल हैं, श्वेत कमल हैं, विविध प्रकार के कमल हैं। तो अनेक प्रकार के दिव्य गंध से युक्त, लेकिन इसके ऊपर भी अंततोगत्व भगवान ही अपने दिव्य गंध से संपूर्ण वृंदावन नाम को क्या नाम सुगंध है थी। और अनिति जीवित संपूर्ण वृंदावन धाम और संपूर्ण संसार जिसके द्वारा देदीप्यमान, जिसके द्वारा सुगंधित हो रहा है, जिसके द्वारा जीवित हो रहा है, जिसके द्वारा संपूर्ण संसार का जीवन, वृंदावन धाम का जीवन, जिसके द्वारा संसार में सौगंध, सौगंध क्या है, अरे फलाने की बड़ी अच्छी महक फैल रही है भाई, बड़ी अच्छी महक फैल रही माने फलाने की बड़ी अच्छी महक फैल रही है माने अच्छा यश है, अच्छी कीर्ति है, अच्छा वैभव है, अच्छा प्रभाव है, इन्हें बड़ा खराब काम किया, अरे भाई दुर्गंध फैल गई, कुछ नहीं फलाना फलाने की दुर्गंध फैल गई, अकीर्ति फैल गई, दुर्गंध फैल गई, और अकीर्ति फैल गई, दुर्गंध फैल गई। ये मानव जीवन, ये मानव शरीर, इसी में से बड़ी दिव्य सुगंध भी निकलती है और बड़ी विचित्र दुर्गंध भी निकलती है। दुर्गंध निकलती है तो लोक लोकांतर परेशान हो जाता है, और सुगंध निकलती है तो लोक लोकांतर सुखी हो जाता है। सन्मार्ग पर चला, सत्कर्म से चला, वेदादि शास्त्रों के अनुसार चला, बड़ी सुगंध फैल गई। दुर्मार्ग से चला, विमार्ग से चला, दुर्गंध फैल गई। तो संपूर्ण वृंदावन धाम को सुगंधित करने वाले, वृंदावन धाम को जीवित प्रफुल्लित करने वाले, वृंदावन धाम को देदीप्यमान करने वाले, या संपूर्ण संसार को एवं भूतो भगवान। इसी तरह से भवत सर्वम जगदस्मादिति भवः, अनित सर्वम जगत चेष्टते जस्मादिति अनः, भवश्चासौ अनश्चैति भवान्। भव भवति सर्वं जगदस्मात् माने संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मूल, जगत उत्पत्ति के मूल आप। भवति अस्मात् सर्वं जगदिति भवः, भव का अर्थ भी यही भवः। और अनित चेष्टते सर्वं जगदस्मादिति अनः, सारा जगत आपसे उद्भूत होता है, सारा जगत आपसे सचेष्ट होता है, उपलक्षण है। सज्जलानित शांत उपासी सर्वं जगत तज्जम तल्लम तदनम, सारा जगत परमेश्वर से उत्पन्न होता है, सारा जगत परमेश्वर में लीन होता है, सारा जगत परमेश्वर में सचेष्ट होता है। इसलिए सारा जगत तज्जलान है, तज्जलान जैसे तैसे भवान। तो इस तरह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के मूल, संपूर्ण जगत की स्थिति के मूल, संपूर्ण जगत के आधार आप सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, फिर आपका विछोह, आपका वियोग किसको नहीं कातर बना दे, किसको नहीं बिह्वल बना दे। इसलिए हे नाथ, आप जो वृंदावन धाम में अटन कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, और हम लोग आपके दर्शन के बिना बिह्वल हैं, विप्रयोग जन तीव्रताप से संतप्त हैं, एक एक त्रुटि परिमित काल हम लोगों के लिए जुग जुग के तुल्य प्रतीत हो रहा है, हे प्रभु कृपा करो, दर्शन दो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। तो कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्षम दृशाम, गोपांगना कहती हैं श्री श्याम सुंदर मदन मोहन, आपके दर्शन में भी सुख नहीं है और अदर्शन में भी सुख नहीं,
ना दृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम। अदर्शन होने पर भी आपसे सुख नहीं और दर्शन होने से भी आपसे सुख नहीं। ना दृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम। अदर्शन की तो ये हालत कि क्षण का सप्तविंशति शततम काल भी युग के तुल्य प्रतीत होता है, युग के तुल्य प्रतीत होता है। और ये सब वेदना मूल कही है। कल नहीं हुआ था क्या? तो वेदना के कारण ही स्वल्पकाल महाकालवत भाषित होता है, ये कल कही जा चुकी बात। तो इसलिए आपके अदर्शन में क्षण क्षण का काल भी अत्यंत महान होकर, दीर्घ होकर अत्यंत दुखदायी बन जाता है। और आपके दर्शन में जिसमें आपका दर्शन होने लगता है तो कहते कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते उदीक्षताम उच्चैर निरीक्षमाणानाम पक्षमुक्त विधाता जड़हा सोपि अधिकं दुखं करो। जिस समय आपके मंगलमय मुखचंद्र का दर्शन होने लगता है और वो कुटिल कुंतल समावृत मानो निशा से आलिंगित निशाकर जो होता चंद्र, वो कुटिल कुंतल क्या है मानो निशा, रात्रि ही मानो मूर्तमति होकर इन कुटिल कुंतलों के रूप में, कुटिल अलकावलियों के रूप में मानो तमिश्रा रात्रि ही निशाकर स्वरूप भगवान के मुखचंद्र का आलिंगन करती है मां। तब ऐसे मूर्तिमति निशा स्वरूप जो कुटिलालकावली, उस कुटिलालकावली से आवृत जो आपका मंगलमय मुखचंद्र है, श्री मुख है, अत्यंत शोभा संपन्न मुख है, उसको अत्यंत उत्कंठा के साथ देखने वाले जो प्राणी हैं, विशेषतः रसिक प्राणी जो हैं, सरस प्राणी जो हैं, अनुरागी जन जो हैं, वो जिस समय आपके कुटिल कुंतल समावृत श्री मुख को देखने लगते हैं, उस बीच में जो विधाता है ब्रह्मा, पक्षम बनाने वाला, पलकों को बनाने वाला ब्रह्मा, वो बड़ा जड़ है, बड़ा अरसिक है, जानता ही नहीं वो आपके मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन में श्री ब्रज सीमंतनी जनों को, गोपांगना जनों को क्या आनंद आता है। और उसमें इन पलकों के द्वारा विक्षेप पड़ने से कितना कष्ट होगा, इन बातों को विधाता समझ नहीं था, जरठ विधाता इन बातों को समझ नहीं था। इसलिए जड़ किसी ने कहा ना, अरसिकेशु कवित्व निवेशनम चरसे मालिक 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 विधाता। अरसिकों में कवित्व
वर्णन करने की बात है विधाता, मेरे भाल में मत लिखो, हजार दुख दो। इतर पाप फलान जसे छया, भीतर भीतर चान सहे चतुरानन। हमारे हजारों पापों के फल जितने भी आपको देना हो दो, हम सब चाहेंगे। पर अरसिकेश कवित्व निवेशनम सिरस मालिक मालिक, अरसिकों में कवित्व के निवेशन का भाग्य मेरे भाल में मत लिखो, तो कुछ भी हो। तो ये सब बात, तो इसलिए गोपांगना कहती है वो जरठ विधाता, इस आपके मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन से ब्रज सीमंत्री जनों को क्या रस होता है। कई लोगों की अलग अलग दृष्टियां हैं, भिन्न भिन्न लोग दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन दुर्योधन भी करता था और भगवान का दर्शन अर्जुन भी करते थे, पर अर्जुन को क्या स्वाद आता था भगवान के दर्शन, और दुर्योधन को क्या स्वाद आता था, तो भेद ही है अलग अलग। नंद रानी ब्रजेंद्र गेहिनी यशोदा को किस ढंग का स्वाद आता था श्री कृष्णचंद्र के मुखचंद्र का दर्शन का। और सख्य भाव वो तीसरी गोपांगना जनों को उससे किस ढंग का आनंद आता था, इसको कौन समझ सकता है। तो इस तरह से पक्षम का निर्माण करने वाला, पलक का निर्माण करने वाला जो जड़ विवेक शून्य विधाता है, वो भी बड़ा भीषण कष्ट देता है। तो ऐसी स्थिति में आपके आदर्शन में कितना भीषण संताप, और आपके दर्शन में भी कितना भीषण संताप। इसलिए क्या कहें, आपके दर्शन में सुख है कि आपके आदर्शन में सुख है, कैसा सुख है। कुटिल कुंतलम श्री मुखंजते जड़बुली क्षताम पक्षमुखाम। अथवा ये कहती हैं कि असल में कुटिल कुंतलम श्री मुखंजते जड़ उदीक्षताम पक्ष दृशाम, आपके कुंतल, कुंतल का अर्थ है कुंभूमिम सलयति अधो नयति स्वशोभया, स्वशोभया कुंभूमिम सलयति अधो नयति इति कुंतल, कुंतला। कुंतल जो है अलकावली, वो अपने सौंदर्य से, अपने माधुर्य से भूमि को भी, भूमि को नीचे भेज दिया। वैसे कहते हैं ना, किसी की शोभा देख करके शर्मा करके भूमि मानो नीचे नीचे चली आई। भगवान के मंगलमय श्री मुख पर जो विराजमान अलकावली, उस अलकावली की जो दिव्य शोभा, उस शोभा को देख करके लज्जित होकर मानो भूमि नीचे चली आई। कुंभूमि अधो तलयति अधो नयति कुंतलम। तो इसीलिए बड़ी महिमा उन्होंने बताया, कहा अलक क्या है, बोले ब्रह्मविद अलम अत्यर्थम कम ब्रह्मात्मकम सुखम जे साम से अलका ब्रह्मविद। अलक माने ब्रह्मविद, जिनका अलम अत्यर्थम कम सुखम, जिनका सुख अत्यर्थ सुख है। ब्रह्मविदों ही का सुख अनंत होता है, और लोगों का तो सुख छोटा ही मोटा होता है, क्षुद्र सुख परिच्छिन्न ही सुख दूसरे लोगों को होता है, अनंत सुख अपरिच्छिन्न सुख ब्रह्मविदों को ही होता है, वही अलक। अलका नाम अवली ही, अलकावली ही माने ब्रह्मविदों की अवली है। अलकावली क्या है, मानो मानो ब्रह्मविदों का झुंड है, ब्रह्मविदों का झुंड
भगवान का कुंतल बनकर भगवान के मुख चंद्र की आभा शोभा प्रभा का रसास्वादन करते हैं। तो इस प्रकार का जो आपका श्रीमुख कुटिल कुंतल समावृत, दूसरी जगह ये कल्पना किया, बनरुहाननम बिभ्रदावृतम, पीछे ही तो आया, तो वहां कल्पना किया कि मानो भ्रमर मंडली शब्द शून्य हो करके, गुंजारव शून्य हो करके भ्रमर मंडली अरविंद मकरंद पान में मत्त है। इस तरह से भगवान के मुख में चंद्र की नहीं नील पंकज की कल्पना करता है। नील पंकज के तुल्य भगवान का मुख और उस पर ये अलकावली क्या है, मानो भ्रमर है और मानो गुंजार वो शून्य है। वो क्यों हो, क्यों शून्य हुए, तो मकरंद पान में विह्वल हो गए। जब तक सावधान होता है मधु को तभी तक वो गुंजारव करता है, और जब वो रस पान करते करते मत्त हो गया तो फिर वो भी समाधिस्थ हो जाता है। तो इस प्रकार का कुटिल कुंतल संश्लिष्ट जो आपका श्रीमुख है, उस श्रीमुख को देखने वालों में उदीक्षताम उपचैर निरीक्षमाणा नाम मध्ये सैव अजड़ जह पक्षमुकृत जह पक्षमाणि कृंतति जह पक्षमाणि सैव अजड़। ऐसे कुटिल कुंतल समावृत मुखचंद्र को देखने वालों में वही रसिक हैं जिन्होंने अपने पलकों को काट डाला, जिन्होंने पलकों को काट डाला। ये बड़े विघ्न डालते हैं, बार 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 प्रभु के मुखचंद्र दर्शन में बाधा डालते हैं। तो निरीक्षण तो बहुत लोग करते हैं, पर उदीक्षताम उच्चैर निरीक्षमाणानाम मध्ये सैव अजड़ः, वही अजड़ है, वही रसिक है, वही विवेकी है, जब पक्षमान क्रंतति जो इन पक्षमों को काट डालता है, जो पक्षमों को सहन करता है, पलकों को जो सहन करता है, पलकों द्वारा होने वाले निमेष उन्मेषों को जो सहन करता है, वो जड़ी, वो रसिक नहीं। कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष दृशाम दृशाम उच्चैर निरीक्ष उदीक्षताम दृशाम उच्चैर निरीक्षमाणानाम दृष्टीणाम दृष्टीणाम मध्ये सैव अजड़ः जह पक्षमान चिंतति छेदने। इसीलिए जिन लोगों ने अनुभव करने में तन्मयता प्राप्त की तो रही पलकनहु परिहरेव निमेकी, पलकनहु परिहरेव निमेकी। जनक नंदन जानकी भगवती रामचंद्र राघवेंद्र के मुखचंद्र का दर्शन करने लगी तो पलकनहु भयो बिलोचन चारु अचंचल मनो सकुच निमित्त जव दृगंज, मनो सकुच निमित्त जव दृगंचल। ये अर्धाली कैसी है, थके नयन रघुपत कवि देखे हो गया। तो इस तरह से यह तो अर्थात वही लोग अजड़ हैं जो पलकों को हटाकर माने पलकों के निमेश उन्मेष को विवर्जित करके
पलकों के उनमें निमेशों को हटा करके जो मुख चंद्र का दर्शन करते हैं वही पक्षम के व्यापार को रोक देने वाले, काट देने वाले वही अजड़ है, वही हरते हैं। इस तरह से गोपांगना कहती हैं, आपके दर्शन में भी वेदना ही वेदना है और आपके अदर्शन में भी वेदना ही वेदना। तो ये किसका दोष है? दोष किसी का नहीं, हमारे दुर्भाग्य का दोष है, अपने दुर्भाग्य को ही कोसती। और फिर ये ऐसी विचित्र अवस्था होती है मन की, अनुरागियों के प्रेमियों के मन की अवस्थाएं बड़ी विचित्र, अनेक अनेक रस एक क्षण में प्रकट होती, स्नेह भी कोप भी ईर्ष्या भी प्रणय भी एक साथ सब भाव उदित हो जाती। वैसे तो पृथक पृथक भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, तो कभी इन भावों का सांकर है। एक कुंदमाला नाम का ग्रंथ है, कुंदमाला, वो सीता के वनवास का वर्णन उसमें, सीता के वनवास का है, तो किसी जैन का लिखा हुआ कुंदमाला, तो बड़ा सुंदर ग्रंथ, बहुत अद्भुत ग्रंथ। उसी की कथा हम कहा करते हैं ना, कुंदमाला में वो रामचंद्र भगवान ने लवकुश से पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, तो कुश ने कहा हमको नहीं मालूम, कुश ने कहा हमको नहीं मालूम हमारे पिताजी का नाम, लव ने कहा हमको मालूम, हाँ क्या नाम है तुम्हारे पिता का, हाँ पिता का नाम है निरनुक रोष, निरनुक रोष नाम हमारे पिता का। जिंदगी कैसे जाना, कहले एक दिन माँ नाराज हुई तो बोली निरनुक क्रोश तनयऊ, निरनुक क्रोश तनयऊ, ऐसा संबोधित, निरनुक क्रोश के पुत्रो, ये कहा निरनुक क्रोश के पुत्रो, इसलिए हमको मालूम पड़ा हमारे पिताजी का नाम निरनुक क्रोश है। राम क्या कहो क्या सुझा गया, निरनुक क्रोश तनयऊ, बड़ा अच्छा। तो उन्होंने कहा जिस समय वो ऐसा एक देवता ने वरदान दे दिया सीता को वन में, वो सबको देख सके उनको कोई न देखे, सीता को कोई न देखे और सीता सबको देख सके, ऐसा वरदान। यही कारण है जब वहां रामचंद्र भगवान पधारे तो रामचंद्र भगवान उसी क्या नाम शंभूक के मारने के प्रसंग में, शंभूक को दंड देने के प्रसंग में, उत्तर रामचरित्र में भी ये वर्णन है और कुंदमाला में भी वर्णन है इसका। तो शंभूक वध के प्रसंग से भगवान रामचंद्र उस दंडकारण्य में, उस पंचवटी में गए जहां पहले रहे थे, उन हाथियों को देखा जिनको सीता पानी पिलाती थी, रोटी खिलाती थी, प्यार करती थी, उन छोटे छोटे वृक्षों को जो पहले उस समय छोटे छोटे थे बहुत बड़े हो गए हैं उनको देखकर प्रसन्न हुए, और वहीं सीता का जो तो स्मरण करते करते राम मूर्छित हो, सीता का चिंतन करते करते राम वहीं मूर्छित हो। तो बासंती भगवती सीता की सखी थी, क्या नाम है, ब्रह्मवादिनी थी, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वेदांत का अध्ययन करती थी, ब्रह्मवादिनी थी। तो वो बासंती भगवती जनक नंदिनी जानकी की सखी बनकर के उनके साथ रही, वो भी दिव्य देवता थी, संस्कृत भाषण करती और सीता बल्कि प्राकृत बोलती थी, है सीता तो जो है क्या प्राकृत बोलती थी और वो अपना संस्कृत बोलती थी, तो दोनों साथ। तो वो बहुत बार बार कहती थी बासंती, समय राम की चर्चा राघवेंद्र की चर्चा होती थी तो सीता दीर्घम उष्णंच निस्वस्य, दीर्घ और उष्ण श्वास लेती थी, दीर्घ उष्ण श्वास लेती थी राम की चर्चा चल जाने पर, भगवान का नाम किसी प्रसंग से उनकी उनकी स्मृति होते ही
दीर्घम उष्णंच निष्पक्ष। तो बासंती कहती है सखी सीते हमको समझ में नहीं आता, जो इतने निरनुक्रोश हैं, जो इतने कठोर हैं कि गर्भिणी अवस्था में आसन्न प्रसवा को और निष्ठुरता पूर्वक वन में भेज दिया, क्या होगा, कहाँ पानी मिलेगा, कैसे क्या होगा, कैसे सुरक्षा होगी, किसी बात की चिंता न करके निरनुक्रोशता के साथ और तुमको ऐसी हालत में यहाँ भेज दिया। उनका नाम सुनते ही, उनकी चर्चा चलते ही तुम दीर्घम उष्णंच, दीर्घ और उष्ण उच्छ्वास लेती हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी तुम्हारे मन में स्नेह को स्थान है क्या, ये बासंती कही। तो और बहुत ऐसी बातें हैं, हनुमान जी ने भी देखकर कई बार कहा कि पहले पहले तो राम का विलाप देख करके, राम का चिंतन देख करके हनुमान को आश्चर्य होता था, बालक ब्रह्मचारी क्या जाने स्त्री पुरुष के झगड़े को, क्या जाने स्नेह को, अखंड महाब्रह्मचर्य जिनका है और राग द्वेष से परे हैं और अमलात्मा परमहंस महामुनिंद्रों के भी परम पूज्य हैं, ऐसे भगवान हनुमान क्या जाने इन सब प्रपंचों को, तो कही है भगवान तो परम ब्रह्म है, क्या सीता के वियोग में इतने क्यों संतप्त हो रहे हैं, क्या बात है क्या है। लेकिन जब जाकर के सीता भगवती का दर्शन किया तब कहा दुष्कर्म कुरुते राम, राम तो दुष्कर कर रहे हैं जीवित सजन या बिना, अरे इसके बिना राम जीवित हैं, ये राम क्या नाम दुष्कर्म करो, ये बड़ा दुष्कर काम कर्म करें राम जो इनके बिना जीवित है, अरे सीता के बिना जनक नंदिनी जानकी के बिना राम जीवित हैं यही बड़ा दुष्कर कर्म, ये तब अनुभूत हुआ। जब सीता का दर्शन किया, सीता के लोकोत्तर अनुराग का अनुभव किया, तब लगा कि अरे राम तो बड़ा दुष्कर कर रहे हैं जो जीवित रहे, अब इस बात पर नहीं चिंता करते राम, इनका चिंतन क्यों करते हैं, इनके लिए विलाप क्यों करती, नहीं सोचते, तो सोचते वो जीवित कैसे, इसका मतलब यह है कि जितना जितना उस रस के संविधान में प्राणी पहुंचता है उतनी उतनी उसकी विशेषता की अनुभूति होती, नहीं तो सामान्य बात क्या है। कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजे और भैंस बैठ पगुरा है, देहाती कहा एक आदमी ने कहा तो क्या अधरामृत, अधरामृत की चर्चा चल रही, अधरामृत क्या है, अधरामृत क्या है, मतलब जीवन है क्या है, जो वस्तुस्थिति है ऐसा है क्या। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है, तो बासंती तो एक कालावच्छेद, तो उस समय जिस समय राम मूर्छित हो गए, स्मरण करते करते चिंतन करते करते यही वह हस्ती था जिसका जनक नंदिनी प्यार करती थी, यही वृक्ष थे, यही आलवाल थे जो उनके बनाए हुए हैं, ये करते करते एकदम मूर्छित। तो बासंती भी थी, जनक नंदिनी जानकी भी थी, तो बासंती ने प्रेरित किया कि तुम संतान तुम्हारे स्पर्श से इनकी मूर्छा जाएगी, तो कोई तुमको देखेगा तो है ही नहीं, ये भी तुमको नहीं देख सकेंगे। तब जनक नंदिनी जानकी स्पर्श किया, स्पर्श करने से उनकी मूर्छा खुली, पर वही अनुभव हुआ किसका हाथ है, ये किसका कोमल स्पर्श है, ये तो जनक नंदिनी जानकी कहता है, पर दिखाई तो नहीं देते, क्या हुआ कैसे, मुझे स्वप्न है या मुझे कोई विभ्रम हो गया है या क्या हो गया है, ऐसे बहुत प्रकार का प्रलाप वहां उत्तर रामचरित्र में। वहां जनक नंदिनी जानकी भगवती राम को देखती हैं, तो राम को देखते समय ही कई भाव एकदम उत्पन्न होता, एक प्रकार से क्रोध उत्पन्न होता, इन्होंने ऐसी अवस्था में हमें वनवास दे दिया, कोई ध्यान नहीं रखा, इस कारण तो क्रोध। और लवकुश के पिता हैं, ये लवकुश के पिता हैं, इस बुद्धि से उनके प्रति
एक जो है सो बड़ा विशिष्ट विशिष्ट स्नेह उत्पन्न हुआ, और ये इस प्रकार से दुर्बल हो रहे हैं और सांसारिक सुख से अत्यंत विमुख हो रहे हैं, और इसलिए उनके प्रति परम करुणा भी उत्पन्न होती है, और इस तरह से अनेक भाव एक कालावच्छेद में उत्पन्न होते हैं, अनेक भावों का मिश्रण सम्मिश्रण उत्पन्न होता है। तो इस दृष्टि से जहां गोपांगनाओं को भगवत दर्शन के बिना क्षण क्षण कोटि कोटि युग के तुल्य प्रतीत होते हैं, क्षणन युग शतमेव, यहां क्षण को सौ युग के तुल्य बताया, एक क्षण सौ युग के तुल्य बीत गया, क्षणन युग शतमेव। और दर्शन के समय जो इस प्रकार के पक्षम के द्वारा पलकों के द्वारा बाधा खड़ी होती है, इस बात से भी एक भाव उत्पन्न होता है, तो कहीं अपने प्रति निंदा का भाव उत्पन्न होता है, तो कभी भगवान के प्रति ही निंदा का भाव उत्पन्न होने लगता है, कभी उस कानन जिस कानन में विचरण करने के कारण प्रभु के मुखचंद्र दर्शन में बाधा पड़ती है, उस कानन की निंदा करने की बुद्धि उत्पन्न होती है। काननम शब्द यहां जो है काननम, उसका भी कहते हैं कुत्सितम आननम दुख हेतुत्वात् जस्मिन तत् काननम, ये ऐसा कानन है बन है कानन जिसके कारण कुत्सित है आनन, जिसका भगवान का आनन भी खराब लगता है, बन के जिस बन के कारण जिस बन के कारण वृंदावन धाम के कारण वृंदावन धाम में भगवान विचरते रहते हैं, गोपांगनाओं को भगवान का दर्शन नहीं होता, तो उस समय वृंदावन धाम में जो भगवान का आनन प्रतीत होता है वो इनको कुत्सित प्रतीत होता है, तो कुत्सित आनन भगवान का आनन भी कुत्सित असूया असूया भाव। कुत्सितम भगवतो प्याननम यस्मिन तत्काननम, माने वस्तु परम प्रिय होने पर भी परम सुंदर होने पर भी अदर्शन हेतुत्वात् कानन में जाने के कारण उनको दर्शन नहीं होता, इसलिए कानन का जो भगवदीय आनन है कानन का जो भगवदीय आनन है वो कुत्सित लगता है उनको। जैसे कई लोगों को राजेश्वरी नित्यनकुंजेश्वरी राधा रानी वृषभानु नंदिनी के संग का कृष्णचंद्र ही अच्छा लगता है, उससे अलग का कृष्ण अच्छा नहीं लगता, वही कृष्ण अच्छा लगता है जो राजेश्वरी नित्यनकुंजेश्वरी राधा रानी के संदान में हो। और वृंदावन धाम वाले कहते हैं वृंदावन धाम की परिक्रमा करते रहो और दाएं ओर जो कृष्ण मिलता है उसको तो देखो और बाएं ओर जो कृष्ण मिलता है उसको देखो मत आंख उठा के। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन उस वृंदावन वृंदा विपिन को निहारो। कहते विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज जो वृंदावन धाम है उसकी सीमा के बाहर जा रहे हो परिक्रमा करते करते, इधर कृष्ण देखते हैं तो प्यार करो, इधर देखते हैं तो दस आंख मोड़ लो, इधर आओ तो देखेंगे, इधर आओ तो नहीं देखेंगे। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार, भगवान को भी मत निहारो उधर बाहर। तो ये यही कहते हैं कि वही का कृष्ण अच्छा लगता, वृंदावन धाम का ही कृष्ण अच्छा लगता, राजेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी के संग का ही कृष्ण अच्छा लगता है, दूसरा कृष्ण नहीं अच्छा लगता। इसीलिए कहते हैं मथुरा नाथ कृष्ण नहीं पसंद है, द्वारका नाथ कृष्ण नहीं पसंद है, और क्या नाम है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण पसंद है, वृंदावन चंद्र जो कृष्ण पसंद है, ऐसा ऐसा भक्त लोग कहते हैं। तो लेकिन प्रेम की बची बड़ी बची तो गति कुटिला गति, प्रेम की भी तो कुटिला गति, इसकी भी कुटिला गति, तो उसी के कारण
यहाँ इनको इस समय वृंदावन धाम में, जो वृंदावन धाम में कानन में जो श्री कृष्ण का आनंद है वो कानन लगता है। काननम काननम मन कुत्सितम आननम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में ही तो कृष्णचंद्र का आनंद अच्छा लगता है। अभर साक्षात पर प्रेमास्पद अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म प्रभु का कृष्ण का आनंद कहीं भी कुत्सित होता है।